23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सब इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स को लेकर बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। कई एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि सरकार 30% टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्स पेयर्स को रियायत दे। उम्मीद है कि आगामी बजट में 30 लाख से नीचे की इनकम वाले लोगों को ये राहत दी जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों की बड़ी मौज हो सकती है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बजट में कौन सा बदलाव 30 लाख तक की सैलरी वालों पर पैसों की छप्पर फाड़ बारिश करा देगा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि लोग इनकम टैक्स में और कौन से बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगले हफ्ते 23 जुलाई दिन मंगलवार को देश का बजट आएगा। साथ ही फिलहाल इनकम टैक्स भरने का सीजन भी चल रहा है। इसी के मद्देनजर अलग अलग सेक्टर्स तो वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगे रख ही रहे हैं, साथ में इनकम टैक्स दरों में भी बदलाव को लेकर कई प्रस्ताव सुझाए जा रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स की तरफ से 30 लाख से कम कमाई वालों पर टैक्स का बोझ कम करने की मांगें खूब आ रही हैं। जैसे 18 जुलाई को फिनटेक कंपनी बैंक बाजार ने सुझाव दिया था कि 15 लाख की बजाय 18 लाख से ऊपर की कमाई वालों से 30% टैक्स लिया जाए। कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी ये सलाह दी है कि नई टैक्स रेजीम में 15 लाख से ऊपर की जगह 30 लाख से ज़्यादा की सैलरी वालों से 30% टैक्स लिया जाए। अगर ये बदलाव लागू होता है तो 15 से 30 लाख तक की कमाई वाले लोगों की खूब मौज आने वाली है, क्योंकि इस हालत में उन्हें 30% की बजाय 20% टैक्स देना होगा। इस तरह उनके पास हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे और लिहाजा उनका जहां मन करेगा वो उसे खर्च कर पाएंगे या फिर बचत कर पाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि मौजूदा समय में टैक्स चुकाने के क्या क्या स्लैब बने हुए हैं। अभी टैक्स पेयर्स के पास दो टैक्स रेजीम चुनने का ऑप्शन है, पुरानी टैक्स रेजीम और नई टैक्स रेजीम। ओल्ड टैक्स रेजीम यानी पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स पेयर्स को कई तरह के फायदे दिए गए, तो दूसरी तरफ नई वाली टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रेजीम में कई तरह के डिडक्शन वगैरह जो भी थे वो सब हटा दिए गए हैं। लेकिन न्यू टैक्स रेजीम जो जिस चीज की वजह से खास है वो ये है कि टैक्स की दरें और टैक्स स्लैब दोनों ही इसमें कम कर दिए गए हैं। पुरानी टैक्स रेजीम में 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री रखी गई है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल आय पर 5% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की टैक्सेबल कमाई पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना टैक्सेबल इनकम पर 30% का टैक्स देना होता है। आपने अभी मेरी जबान से टैक्सेबल इनकम सुना, ये आपकी ओरिजिनल इनकम से अलग होता है। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट और कटौती का फायदा मिलता है। कंपनी के ऑफर लेटर में लिखी सैलरी में से इन सभी छूट और कटौती को हटाने के बाद जो रकम बचती है उसे ही हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, और इसी कमाई पर जो टैक्स ब्रैकेट लागू होता है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है जो आप आयकर विभाग के पास जमा करते हैं। अब उन छूटों के बारे में भी जान लेते हैं जो पुराने टैक्स रेजीम वालों को मिलती है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट या फिर एचआरए के मद में 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS में इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए पर टैक्स छूट ले सकते हैं। अपने और बूढ़े माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 80,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 50,000 रुपए की रकम पर और छूट मिलती है। लेकिन जैसे ही हम नई टैक्स रेजीम में आते हैं, टैक्स पेयर्स के हिस्से से ये सारी छूटें खत्म हो जाती हैं। लेकिन उन्हें दूसरी तरह का फायदा दिया गया है। सरकार ने टैक्स की दरों को ही कम कर दिया है। पुराने टैक्स सिस्टम में 6 टैक्स स्लैब थे, जबकि नए वाले सिस्टम में सिर्फ 5 टैक्स स्लैब बचे हैं। बता दें कि नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों पर 3 लाख रुपए की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की सैलरी पर 5%, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की सैलरी पर 10%, 9 से 12 लाख तक की सैलरी पर 15%, 12 से 15 लाख की सैलरी पर 20% और 15 लाख से 30 लाख तक की सैलरी पर 30% का टैक्स लिया जाता है। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह नई टैक्स रिजीम वालों को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 50,000 रुपए की छूट दी जाती है। अब जो वित्त मंत्री को सुझाव दिए गए हैं उसमें ये सलाह दी जा रही है कि सरकार को 30 लाख से ऊपर इनकम वाले लोगों से ही 30% टैक्स वसूला जाए, न कि इससे कम कमाई वाले लोगों से। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 से 15 लाख की कमाई वाले लोगों से 20% टैक्स लिया जाता है और 15 से 30 लाख तक की सैलरी वाले लोगों से 30% टैक्स लिया जाता है। अगर सरकार इस सुझाव को मान लेती है तो 10 लाख से ऊपर और 30 लाख से नीचे वाले टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा टैक्स पेयर्स ने यह भी सुझाव दिया है कि नई टैक्स रेजीम में 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन जो है वो काफी कम है, इसे बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया जाए तो बेहतर होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C के तहत जो 1.5 लाख रुपए की छूट दी है उसे भी नाकाफी बताया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस सीमा को आखिरी बार 2014 के बजट में संशोधित किया गया था और ये 1.5 लाख रुपए की छूट किसी एक चीज पर नहीं है, इसमें कई तरह के इन्वेस्टमेंट असेट्स से लेके अन्य मदों में जो भी खर्च होते हैं उन सभी को जोड़ा गया है। लेकिन महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और 4-5% की महंगाई दर को ही अगर मानक मान लें तो भी इस हिसाब से ये छूट काफी नहीं है। इस तरह अगर सरकार इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर देती है तो कम आय वाले टैक्स पेयर्स को भी काफी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो 50,000 रुपए है उसे भी बढ़ाकर 60,000 करने का सुझाव दिया गया है। बहरहाल ये तो सुझाव और मांगे हैं, प्रस्ताव हैं। अब बजट जब पेश होगा तब पता चलेगा कि वित्त मंत्रालय ने किन सुझावों को नजर बख्शी है और किसे नहीं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर कुछ बदलाव होते भी हैं तो नए टैक्स रिजीम में ही इसके होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सरकार की कोशिश पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करके नई टैक्स व्यवस्था को सभी पर लागू करने की है। आज आपके पास ऑप्शन भले 2 मिलते हैं, लेकिन अगर किसी ने खुद से नए और पुराने में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुना तो ऑटोमेटिकली उसे नई टैक्स रिजीम में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि 17 जुलाई को हलवा सेरेमनी हुई और बजट के कागजों की छपाई भी शुरू हो चुकी है। अब सभी की नजरें 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी और ऐसा करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री होंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।